सरल स्वभाव और राष्ट्रहित की भावना जिनकी लेखनी और व्यवहार में साफ झलकती है, ऐसा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व यानी पत्रकारिता में पद्मश्री से नवाजित डॉक्टर विष्णु पंड्या एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने का स्वप्न देख चुके। डॉक्टर विष्णु पंड्या ने शायद ही कभी पत्रकारिता, इतिहास और साहित्य के लिए काम करने के बारे में सोचा हो, लेकिन सत्य, साहस और शब्दों को अपना सहारा बनाकर उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में एक नया मुकाम हासिल किया। साधना नामक एक कम प्रचलित साप्ताहिक पत्रिका में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले डॉक्टर विष्णु पंड्या ने कुछ समय पहले ही सोमनाथ मंदिर के लाइट एंड साउंड शो की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसको आवाज दी थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने। डॉक्टर विष्णु पंड्या की ये रोमांचक सफर उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा रूप है जो साहस के जरिए एक नया मुकाम हासिल करने की हिम्मत रखते हैं। तो आइए जानते हैं अर्धशताब्दी से पत्रकारिता की सेवा कर रहे और करीब 110 किताबें लिख चुके डॉक्टर विष्णु पंड्या की कहानी अनस्ट्रीम टॉक्स में। डॉक्टर विष्णु पंड्या, अध्यक्ष साहित्य अकादमी, 2017 के वर्ष में माननीय राष्ट्रपति जी ने पत्रकारिता, साहित्य और अध्यापन के लिए पद्मश्री सम्मान दिया। करीब 110 किताबें प्रकाशित हुई है और पत्रकारिता, इतिहास, साहित्य और विविध क्षेत्रों में मैं काम कर रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट डिग्री इनायत की गई 2018 में। ये मेरी कारकिर्दी है। देखिए, किसी उपन्यास की तरह मैं चला हूँ। मेरा जन्म सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव माणावदर में हुआ था। माणावदर नवाबी स्टेट था, ठीक तरह जूनागढ़ भी नवाबी स्टेट था। और जन्म के साथ साथ मेरे लिए एक पराक्रम, एक विचित्रता, एक दंत कथा पैदा हुई कि जूनागढ़ और माणावदर ने 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इन दोनों नवाबी स्टेट नवाबों ने पाकिस्तान के साथ विलीनीकरण घोषित कर दिया। 2 साल का था मैं, लेकिन 2 साल जूनागढ़ और माणावदर द्विधायुक्त थे, पाकिस्तान में थे। बाद में नवाबों को जाना पड़ा, आर्जी हुकूमत हुई, आई लड़त हुई और 15 अगस्त 1947 के बजाय नवंबर 47 में वहाँ भारत का राष्ट्रध्वज फहराया गया। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि मैं 2 साल पाकिस्तानी भी था, उसके बाद मैं हिंदुस्तानी बना। तो ये मजाक तो था, लेकिन सच में माणावदर और जूनागढ़ नवाबी स्टेट का जो स्वातंत्र्य संघर्ष था, स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्र्य संघर्ष हुआ, ये ऐतिहासिक घटना थी। माणावदर में प्राथमिक शाला में अभ्यास किया, सरकारी स्कूल थी, हाई स्कूल भी सरकारी स्कूल थी, बाद में अलग अलग जगहों पर कॉलेज में शिक्षा ली, द्वारका, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़। 1967 में जूनागढ़ में मैंने बीए का अंतिम प्रश्न पत्र पूरा किया और निकल पड़ा था अहमदाबाद की ओर। पता नहीं था कि अहमदाबाद में मुझे क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, स्थिर रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन एक युवा महत्वाकांक्षा होती है खोज की, उसी तरह निकल पड़ा था। रात को गिरनार एक्सप्रेस में परिवार को बताया भी नहीं था, माताजी, पिताजी, भाई, किसी को। आकर हमने कुछ संपादकों से, बाकी सब लोगों से मिलना भी हुआ। और अच्छा ये हुआ कि तब साधना साप्ताहिक चल रहा था, छोटा सा साप्ताहिक था, 1200-1300 प्रतियां उसकी बिकती थी,
लेकिन एक विचार के साथ जुड़ा हुआ था, राष्ट्रवादी विचार के साथ। तो उन लोगों को आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा कि आइए, पहले एसोसिएट एडिटर बनिए, सह संपादक, और फिर 3 महीनों के बाद मुझे संपादक बनाया गया। तो मैं 22 साल की उम्र में मेरी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। हाँ, ये एक ऐसी साप्ताहिक पत्रिका रही गुजरात की कि जिसका मूलभूत मंत्र मिशन था, सेवा व्रत। मैं मिशन का गुजराती कहता हूँ सेवा व्रत, और कभी कभी जब जर्नलिज्म सिखाने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जैसे मिशनरी जर्नलिज्म है, सेवाव्रती पत्रकारिता। वो उनका युग था, वैचारिक साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन पाठक बहुत कम थे। विचार बहुत बड़ा था, पाठक बहुत कम थे, और स्टाफ नहीं था। संपादक को लिखना पड़ता, संपादक को साक्षात्कार लेना पड़ता, साक्षात्कार को रिपोर्ट लिखना पड़ता। 1 से 12 पेज तक का सभी सामग्री एक ही संपादक लिखा करता, थोड़े बहुत और लिखाते थे, फिर प्रूफ रीडिंग, उसका मुद्रण। और उन दिनों में मुद्रण को छोटे से बीबा, जो छोटे ट्रेडल मशीन पर जाता था और उसमें वो प्रिंटिंग होता था, तो एक 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 घंटे में करीब 100-200 प्रतियाँ छपती थी, ज़्यादा नहीं छपती थी। ऐसे हालात में साधना का संपादन मैंने संभाला, और जब मैंने संभाला तभी मैंने तय कर लिया था कि इसको हमें आगे बढ़ाना है। किसी भी प्रकार पत्रकारिता में हमें जयप्रकाश नारायण जी का वर्धा से आशीर्वाद मिला था, साधना जैसी छोटी पत्रिका को, कि लड़ते रहो और डरो मत, केवल ईश्वर से डरो। वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र, पत्रकारिता, शिक्षा, इतिहास, बाकी सब साहित्य, सभी में शब्दों का केंद्र होता है, और शब्द को मैं कहता हूँ वो अग्निदिव्य है। वेद का शब्द है अग्निदिव्य, वो हाई हलो नहीं है। उन जब उनसे नाता पड़ता है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, समस्याएं आती है, तो फिर भी मुझे लग रहा है, वैसे मैं पत्रकार बनना नहीं चाहता था, मुझे पत्रकार नहीं होना था, थोड़े बहुत लिखा करता था, ये ठीक उन दिनों में कहानियाँ लिखता था मैं, कॉलेज के दिनों में, तो कहानी साहित्यकार भी मेरा एक दिमाग में था। आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, पुरातत्वविद, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें था, लेकिन मैं हुआ नहीं, और यहाँ आया, एमए किया और साधना से जुड़ गया, पत्रकारिता, 50 साल तक पत्रकारिता की, आज भी लिख रहा हूँ। तो मेरी दृष्टि से मुझे जो किसी नाम से कहा जाए, तो मैं इतिहास की खोज का छात्र हूँ, मैं संशोधक हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहासकार वो बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन हमें इतिहास में से ऐसी जो कहानियाँ हैं, जो घटनाएँ हैं, जो विचार है, जो प्रवाह है, उनको बाहर लाना है, कि जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इसीलिए मैंने वो कार्यक्षेत्र चुना कि भाई हिंदुस्तान और गुजरात में सशस्त्र स्वातंत्र्य जंग कैसा रहा, उसको लेकर हमने यात्राएं की, दस्तावेज प्राप्त किए, और उनके बारे में 15 किताबें भी लिखी, बहुत घूमे 7-8 साल तक। गत 24 जनवरी को मेरी पत्नी का स्वर्गवास दिन था, 4 साल पहले वो स्वर्गवासी हुई थी, हम दोनों साथ में सभी जगह घूमे, और छोटा सा कैमरा था, एक छोटी सी गाड़ी थी, कभी भी कहाँ रुक जाती, कभी जाती, ऐसा होता, लेकिन गुजरात के 101 स्थान के जहाँ क्रांति की ज्वाला दहकी थी, जहाँ अननोन हीरोज, अनसंग हीरोज वहाँ जहाँ हुए थे। अब ये कहानियाँ हम किसी को वो पता नहीं है, इसीलिए ऐसे लोग, तो इन लोगों के बारे में संशोधन करना, तो इतिहास मेरा प्रिय विषय इसलिए है, और हमारा वो हमारे लिए कभी वो मरे नहीं, हम में जिंदा है ये लोग, इसीलिए इनको मुखरित करना, उनको प्रकट करना, उनको व्यक्त करना, ये मेरा इतिहास का लेखन है। मानो कि इतिहास एक उपन्यास है, मानो कि इतिहास एक कहानी है, मानो कि इतिहास एक फिल्म है, मानो कि इतिहास एक सीरियल है, ऐसा अनुभव आता है उसमें।
ऐसी सबसे महत्वपूर्ण किताब है गुजरात ना क्रांति तीर्थो, मतलब गुजरात के क्रांति तीर्थ। मोरारी बापू और नरेंद्र भाई मोदी, तब तो वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको लोकार्पित किया था। पूरे गुजरात में मैं और आरती घूमे हैं, बड़े संकटों में घूमे हैं। ये वो उन दिनों में मानगढ़ जो दूसरा जलियांवाला बाग हुआ, वहाँ तक जाना था पर्वतमाला के ऊपर, तो कहीं चाय भी नहीं मिलती थी दोपहर को, ऐसी सफ़र थी, ऐसा सफ़र था। उन सफ़र ऐसे सफ़र हर एक जगह हुए, और कहीं आंसू आते, कहीं दुख होता, कहीं गुस्सा होता, इन जगहों पर देखकर के क्या क्या हालात है ये। इन हालातों के बावजूद भारत में गुजरात ने क्रांतिकारी सशस्त्र स्वातंत्र जंग की प्रवृत्ति की। 10,000 लोग 1857 में मारे गए। उनका एक वीर नायक मूड़ू माणिक और जोधा माणिक था, वो पोरबंदर के पास एक वछोड़ा नाम के एक छोटे से गांव में रजवाड़े के लश्कर की गोली का शिकार हुए, वहाँ शहीद हुए। पांचों लोगों की वहाँ छोटी सी खाम भी है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं कि जिन घटनाओं को देखकर हमें लगता है कि क्या क्या था, और इन घटनाओं को हमने ये क्रांति तीर्थ 101 गुजरात के क्रांति तीर्थ, वो मेरी सबसे प्रिय किताब है। एक दूसरी किताब का जिक्र कर दूं, उत्तिष्ठतः गुजरात, ये उपन्यास है, डॉक्यू उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। उसमें 1892 में स्वामी विवेकानंद गुजरात में आए थे, और गुजरात और विवेकानंद, ये दोनों का कैसा हार्दिक रिश्ता था। उनकी कही और अनकही बातों को हमने वहाँ कहा था। जेतल सर के रेलवे स्टेशन मास्टर ने उनको शिकागो धर्म परिषद में जाने का की प्रेरणा दी थी। अब ये कहानी किसी को पता नहीं। सोमनाथ मंदिर के भग्न जीर्णालय मंदिर में उन्होंने समाधिस्थ होकर भारत माता का दर्शन किया था, कोई कहता नहीं है। ये ऐसी बहुत सी घटनाएं, स्वामी विवेकानंद सीहोर में जाकर 1857 के स्वातंत्र योद्धा नाना साहेब पेशवा, जब वो सन्यासी थे, उनको मिले थे, किसी को पता नहीं है। ऐसी कही और अनकही सब हमने ये इस उपन्यास में आलेखित किए। बड़ा रोमांच हुआ, जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद है या फिर हम गुजरात है, ऐसा लगता था। और इसके बारे में भी काफ़ी संशोधन खोज करके लिए लिखा है। मेरे लिए ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ वैसे भी मेरी प्रिय भूमि है, उनके थोड़े से दूरी में माणावदर में जन्मा हूँ, तो सोमनाथ का जो इतिहास है अद्भुत इतिहास है। वो स्वातंत्र संघर्ष का इतिहास है, वो भक्ति का इतिहास है, वो श्रद्धा का इतिहास है, वो समर्पण का इतिहास है। तो उसके आधार पर मैंने वो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट लिखा, एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा, फिर अमिताभ जी के पास जाना हुआ, एक बार मिलना हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, बड़ा मुश्किल था उनको मिलना, वो तो बिजी पर्सन ही से, तो फिर भी उन्होंने समय निकाला, समय निकाल कर पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। कहीं कुछ इधर उधर के जो सौराष्ट्र के शब्द आते थे तो मुझको पूछा गया कि ये क्या है, ये कैसे, इसका कोई और हो सकता है। ऐसी हमारे बीच जो बातें हुई घंटे भर, आधे घंटे भर, वो सब का सब फिर स्टूडियो में उन्होंने इसको उसका वक्तव्य दिया। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, बार बार करते रहे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा, उनके आवाज़ का तो क्या कहें हम, बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझे लगा कि वो सोमनाथ उसके अंतर में आ गया है, हृदय में इस प्रकार बोलते थे। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा स्तंभ है वहाँ, वो सीधा समुद्र से पहाड़ उधर तक जाता है, उत्तर ध्रुव तक, आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया, तो मैंने वो भी जिक्र फिर कर दिया। तो इस प्रकार एक संयुक्त साहस था, और बहुत बड़ा अच्छा लगा, रोमांचक अनुभव रहा। ये गुजरात साहित्य अकादमी में जब मैं अध्यक्ष बना 2 साल पहले, तब से हमने तय किया था कि जो साहित्यकार है अंधेरों में छिपे हुए हैं, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं और जानना चाहिए, ऐसे ग्रंथ लिखे हैं,
उसको हम प्रकाशित करेंगे, ऐसे साहित्यकारों को गौरवान्वित भी करेंगे, दोनों काम एक साथ चल रहा है। तो तभी ये हिंदुत्व ग्रंथ, उसके लेखक डॉक्टर रामदास गौड़ हैं, और रामदास गौड़ काशी विश्वविद्यालय में अध्यापक थे रसायन शास्त्र के, मदन मोहन मालवीय जी, शिव प्रसाद गुप्ता जी, इतने बड़े महानुभाव वहाँ हुए, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये लिखना शुरू किया, और आज से 85 साल 85 ईयर पहले उन्होंने ये लिखा और प्रकाशित भी हुआ। अब वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म है, हिंदुत्व क्या है उसका वेद से लेकर आज तक का पूरा ब्योरा बिल्कुल तटस्थ और संयत शब्दों में और सरल भाषा में उन्होंने हिंदी में लिखा। मुश्किल ये हुआ कि वो दुर्लभ हो गया कुछ दिनों, वो उन दिनों में शायद बिकता होगा, लेकिन बाद में कहीं मिलता नहीं था, अप्राप्य था। मुझे भी बम्बई के जो दादर रेलवे स्टेशन है और चर्चगेट के बाद फुटपाथ पर जो बिकते हैं पुरानी किताबें, उसमें से मिला था आज से 10 साल पहले, मैंने संभाल कर रखा था, और जब अध्यक्ष बना तो मुझे लगा कि इसको हमें प्रकाशित करना चाहिए, और प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गए। हिंदी में हुआ, अब गुजराती में भी हो रहा है, और इस ग्रंथ में ये 10 विभाग और बाकी सब है, 500 पन्ने का ग्रंथ है। तो 85 साल पूर्व जो जिसका अवतरण हुआ था, उनका हमने पुनः अवतरण 22 तारीख को जनवरी को माननीय राज्यपाल जी के वरद हस्तों से किया, और पूरे गुजरात ही नहीं बाकी प्रदेशों से भी इसके लिए हमें बहुत अच्छे प्रतिभाव मिले हैं। मुझे लग रहा है कि अकादमी का ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है। समाज में हर बातों में परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के जो परिबल होते हैं, जो परिप्रेक्ष्य होता है, अलग अलग बातें होती। 2 विश्वयुद्ध हुए, पहले विश्व युद्ध से पूर्व पत्रकारिता का जन्म हुआ था, पहले प्रिंटिंग प्रेस का जन्म हुआ, गुटेनबर्ग नाम का एक प्रिंटर वो जर्मनी का था, वो उसने ऐसे वो टाइप्स निकाले खनिज के, जिसके आधार पर बाइबल का प्रकाशन हुआ। बाद में गोवा में हमारे यहाँ भी ऐसा ही प्रकाशन हुआ, और फिर ये मुद्रण के बाद जर्नलिज्म आया, पत्रकारिता आई, गैजेट्स आए। शुरुआत में तो वो केवल कुछ लोगों के लिए सीमित था, राजा महाराजा अपनी हुक्म बाकी इत्यादि भीत पत्र के जरिए रखते थे, वो करते थे, लेकिन बाद में पत्रकारिता का प्रारंभ भी हुआ, अमेरिका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, धीरे धीरे एशिया में हुआ, और भारत में भी हुआ। उन दिनों में लक्ष्य ऐसा था कि हमें कुछ करना है, सेवा व्रत, ये पुनः एक बार में शब्द कि भाई हमें समाज का सुधार करना है, हमें स्वातंत्र जंग लड़ना है। तो उन दिनों में मिशनरी जर्नलिज्म था, सेवा व्रति पत्रकारिता, और उसके बाद विश्वयुद्ध आए, विश्वयुद्ध के कारण बाजारवाद का जन्म हुआ, तो प्रोफेशन आया कि भाई पत्रकारिता भी प्रोफेशन बन सकता है, तो क्यों न करें। तो उसमें पैसे जुटाए गए, उनमें निवेश हुआ, और अखबार एक प्रकार का प्रोफेशनल जर्नलिज्म का वाहक बन गया। तीसरा भी दौर आया, कुछ इंडस्ट्रीज आई, और इंडस्ट्रीज को भी लगा कि भाई हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएं। तो आजकल तो पत्रकारिता इंडस्ट्री, प्रोफेशन और मिशन उससे भी आगे बढ़ गई है, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है, परिवर्तन होता है। तो 50 साल पहले पत्रकारिता का अलग जमाना था, उसकी एक ही अच्छी जो बात थी वो ये थी कि वो लोग मिशनरी मिलते थे, पत्रकारिता का तालीम लिया हो न लिया हो, प्रशिक्षार्थी हो या न हो, उन दिनों में तो कोई क्लास भी नहीं थे जर्नलिज्म के, जो आते थे हमें काम करना है करते थे। अभी इन दिनों में जवेरचंद मेघाणी, अमृतलाल सेठ, गुणवंत राय आचार्य, कृष्णलाल श्रीधराणी, बड़े बड़े पत्रकार हुए, लेकिन बाद में दूसरा दौर आया है। अब दूसरे दौर में डिजिटल जर्नलिज्म है, विज्ञान और तकनीक का बड़ा
हुआ है प्रोग्रेस, अवकाश का पत्रकारिता, अवकाश की पत्रकारिता, ये स्पेस जर्नलिज्म, ये भी हुआ, और आज तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं हम, और लोगों तक पहुंचने के लिए ये डिजिटल माध्यम का भी उपयोग बहुत हो रहा है। सोशल मीडिया का अपना दबदबा है, प्रभाव है, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है, लेकिन है, अब इसको आप वापस नहीं ले जा सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आगे बढ़ना पड़ेगा तो जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए एक ही बात आवश्यक है, तो नई पीढ़ी आ रही है, उनको शिक्षा मिल रही है, तालीम कैसी मिलती है उन्हें, आज ये विषय नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में भी कभी सोचना चाहिए कि क्या चाहिए। इंस्पिरेशनल जर्नलिज्म का कोई एक नया युग आ सकता है या नहीं आ सकता है? मेरी दृष्टि से आ सकता है, क्योंकि नए जो लोग हैं, यंग जनरेशन, उनकी आंखों में सपना है, उनको जब बात करते हैं हम कुछ नई और पुरानी भी, तो उनको लग रहा है कि हम क्यों ऐसा ना करें, लेकिन वो दिशा विहीन है। उनको ये हमारे जो शिक्षा के जो वर्ग है, तालीम, उसमें कुछ पाते नहीं है, वो केवल डिग्री पा लेते हैं और फिर आते हैं अखबार में तो मुश्किल हो जाता है कि साहब वहाँ तो हमको थियरी पढ़ाई, यहाँ प्रैक्टिस में तो बिल्कुल अलग बात है, हमको तो पता ही नहीं, आपने कुछ सिखाया ही नहीं। ऐसे माहौल में भी नया जर्नलिज्म, न्यू जर्नलिज्म, इसकी बहुत बड़ी संभावना है, और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 5 साल में गुजरात का, देश का और दुनिया का जर्नलिज्म एक नई तरह का हो जाएगा। देखिए, ये एक कड़वा सत्य ये है कि लेखकों की संख्या बढ़ी है, पाठकों की संख्या कम हुई है। पाठक पढ़ते नहीं, लेकिन इसके कारण बहुत से हैं। अब साहित्य का अर्थ होता है, साहित्य का मर्म होता है आत्मीयता से जोड़ना, हृदय से जोड़ना। अब इन दिनों जिंदगी में ज़रूरियात ज़्यादा है, हृदय कम है, दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, परिश्रम की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, नीड्स क्या है, डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, बाजारवाद की। उन दिनों में स्वाभाविक है, साहित्य की जो पुरानी चेतना थी, कोई उपन्यास अच्छा लिखता है या कहानी लिखते हैं तो उनको कम पढ़ा जाएगा, लेकिन बहुत कम नहीं है। हमें साहित्य अकादमी का अनुभव यह है कि हम जब लोगों तक ग्रंथ, बहुत से ग्रंथ, 500 से 1000 ग्रंथ हमने प्रकाशित किए, किताबें की, पुरानी भी है नई भी है, लोग पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन उनके तक, वहाँ तक पहुँचना है तो हमें डिजिटल माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा। गुजरात साहित्य अकादमी अब ये भी शुरू कर रही है कि हम डिजिटल माध्यम से भी हमारी किताबें, हमारा प्रकाशन, हमारे सामयिक, ये सब पहुँचा दिया जाए, तो इसी कारण मुझे जरा भी निराशा नहीं है, एक अच्छा काम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। नहीं, अभी के जो साहित्य है उसको पॉपुलिस्ट बनना है, लोगों तक पहुँचने के लिए, पॉपुलर बनने के लिए। अब पॉपुलर बनने के लिए हमारे यहाँ बहुत से अलग अलग रास्ते हैं। संस्कृत के एक सुभाषित है कि यदि किसी को ख्यात बनना है तो गधे पर बैठकर, उल्टा बैठकर, मुंडन करा के पूरे नगर में घूम जाओ, आप सबसे परिचित हो जाएंगे। साहित्य में ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी साहित्य में ऐसा लगता है कि बिल्कुल चिप, जल्दी से लिखना है और जल्दी से बड़ा में लोगों तक पहुंचना है, तो ये गुल मिल जाता है और उसमें साहित्य कम रहता है, बाकी सब बात ज़्यादा होती है। ऐसे दिनों में भी अच्छा साहित्य भी हो रहा है, कविता में, उपन्यास में, जीवन चरित में, निबंधों में। देखिए, सुरेश जोशी जैसे बड़े लोग गुजरात में ही हैं, निबंधकार हुए, रघुवीर चौधरी है, गुणन राय आचार्य है, जवेरचंद मेघाणी, ये सब पुराने भी थे, नए भी बहुत से लोग आ रहे हैं, और इन लोगों को हम पुरस्कृत कर रहे हैं, पारितोषिक दे रहे हैं, उनके अखबार मैगजीनों को, उनका उनकी किताबों को प्रकाशित कर रहे हैं, नए नवोदित लोग भी आ रहे हैं, और नवोदित बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा है ऐसा सोचना ठीक नहीं है, उनके दिमाग में भी बहुत कुछ पड़ा है, आप उनको उजागर करिए, और उजागर करने का काम साहित्य संस्थाओं को करना चाहिए। गुजरात साहित्य अकादमी ये काम कर रही है। ये बात सही है कि प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन भी बुरा नहीं होता, प्रोफेशन में भी अपनी कंपटीशन में आप ठीक ढंग से अपने अपनी ताकत बता सकते हैं, शक्ति बता सकते हैं। मुसीबत ये है कि आप जैसे कहा कि मैराथन चल रहा है,
मैं जल्दी आगे आ जाऊँ, वहाँ 5 मरे हैं तो 10 मर गए ऐसा भी बता दो, टीवी पर चलेगा, और यहाँ छोटा सा आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हो गया ऐसा बता दो। फेक न्यूज़, तो फेक न्यूज़ वो सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी मीडिया में भी हो रहा है, और ये इससे कारण जो दर्शक है वो कन्फ्यूज्ड है, उसको पता नहीं लगता कि ये सही है या वह सही, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका भी सत्य का अन्वेषण होता है। लेकिन मेरी दृष्टि से नए यंग जर्नलिस्टों को पुनः एक बार विचार के साथ जोड़ना चाहिए, कमिटेड टू जर्नलिज्म, कमिटेड टू थिंकिंग, कमिटेड टू ऑनेस्टी, कमिटेड टू एक प्रकार के हिस्ट्री और बाकी सब जो रिसर्च है। रिसर्च नहीं करते आज के पत्रकार, वो ऐसे ही आ जाते हैं और उनको वैसे ही मिल जाने हैं, चर्चा करने वाले भी इतने ही लेवल के होते हैं, स्तर के होते हैं, तो कुछ होता नहीं उसमें से, कुछ मिलता नहीं। मिलना चाहिए पाठकों को, दर्शकों को। अब ये मिलना चाहिए वाली बात यदि दिमाग में आती है तो वो कुछ अध्ययन करेंगे, वो स्टडी करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। पढ़ना बिल्कुल समाप्त हो गया है, पढ़ना चाहिए, पुराने पढ़ने से आपको बहुत कुछ काम आएगा, उनमें अनुभव भी है, उनमें परिवर्तन की क्षमता भी है, सज्जता भी है, ये देखना पड़ेगा। और ये देखने के लिए अच्छी जर्नलिज्म की स्कूल्स चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, मीडिया में भी ऐसा ही माहौल होना चाहिए। कितने टीवी चैनलों के पास अपनी लाइब्रेरी है, कैसी है, ये प्रश्न है, होना चाहिए ये सब कुछ। और अपने अपने विश्वविद्यालयों में भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होनी चाहिए, ग्रंथालय होना चाहिए, पढ़ने की आदत करानी चाहिए शिक्षक को। अब मुसीबत ये है कि प्रोफेसर खुद पढ़ते नहीं है तो छात्र नहीं पढ़ते, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन इन प्रश्नों का सभी का समाधान है, और आने वाले दिनों में मेरी दृष्टि से इस देश का एक सबसे बड़ा यदि महत्वपूर्ण जो एक परिप्रेक्ष्य है वो है कि ये आने वाले दिनों में हम कुछ नया निर्माण करेंगे, पत्रकारिता में करेंगे, मीडिया में करेंगे, इतिहास लेखन में करेंगे, साहित्य में भी करेंगे, विज्ञान में करेंगे और राजनीति में भी करेंगे। धन्यवाद।